देखो फैसला तो ये है कि दो दिन शिविर चला 16 और 17 का हुआ और आज की जो मीटिंग थी बारिश के उससे वो मीटिंग तो स्थगित होगी। ज्ञापन अभी अधिकारी आएंगे तो उनको दे देंगे और सब लोगों को कह दिया कि यहाँ से अब सब लोग अपने घरों की तरफ आप जा सकते हो, तो सब लोग जाना शुरू हो गए। तो अब अगली पंचायत कहाँ होगी, कुछ क्या हुआ है? ये तो जगह जगह पंचायत होती रहती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मीटिंग अलग अलग तारीख को होती रहती है। और मुद्दे हमारा MSP, मोदी MSP गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, वो एक बड़ा इशू है। यहाँ पे ये हुआ जो फसल बीमा योजना है किसी भी स्टेट का, उसका बड़ा इशू है। बिजली की बड़ी समस्याएं हैं, तो ये सारे सवाल हमारे हैं और लोग जाएं अपना संगठन पर काम करें। और क्या क्या विचार हुआ है? विचार यही है कि संगठन पर काम करें, जो नए इशू आ रहे हैं भूमि अधिग्रहण के आ रहे हो या बिजली के हैं या फसलों के दाम पर सवाल है। 6 महीने वे लड़ाई लड़ते रहे, भारत सरकार ने उनकी सुनी नहीं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और देश को हताशा हुई है भारत सरकार के इस रवैये से। और आज भी खेल कमेटी जो भी निर्णय लेगी हम सब खेल कमेटी के साथ में हैं। क्या कारण है, क्यों आगे प्रदूषण में कार्रवाई नहीं कर रही सरकार है? सरकार में लोग जो शामिल है उस पर सरकार नहीं कर तो क्या कर सकते हैं? सरकार शामिल है इसको बचाने में, और बचाने में तो शामिल रही है, क्यों बचा रही है, क्या हो सकता है? सरकार अपने लोगों को बचाती है, वो तो देश को सवाल पूछना है। ये जो उनके लोग आए गांवों में तो उनसे सवाल पूछे कि भाई उसमें क्या रहा था। कल उसके बाद हमला भी हुआ है, कल बवाल भी हुआ है, हमें नहीं जानकारी उसकी, हम तो यहाँ पे हमें कोई जानकारी। तो हमला क्यों करा? हमला तो वो अपने आप ही करवा रहा होगा, कोई हमला नहीं करता। मुस्लिम प्रेम दुर्गा जा गया है और मुसलमानों को एक होने की बात, हमें नहीं कह रहे। तुम कह सकते हैं कि उसको बचाने में सरकार बची भी लगाई? सरकार तो बचा ही रही है, कौन बचा रहा है? क्यों बचा रही है सरकार? क्या भाई सरकार तो बचाती है ना अपने लोगों को, सरकार बचाने का काम कर रही है। अब किसान का आपका क्या स्टैंड रहेगा किसानों के? खेल कमेटी जो भी निर्णय लेगी हम खेल कमेटी के साथ में हैं, वो जो भी निर्णय लेगी खेल कमेटी निर्णय। अच्छा, कल साक्षी मलिक और धर्मधर दोनों मीडिया के सामने आए, उन्होंने प्रूफ के साथ अपनी सारी की सारी बातें रखी कि हमें कैसे जंतर मंतर पर हमने धरना दिया कैसे? नहीं नहीं बिल्कुल, उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, पूरे देश ने लड़ाई लड़ी मजबूती से, उसमें कोई वो नहीं है। अगर राजा न्यायप्रिय नहीं होगा तो ये हालात होती है, राजा का न्याय ठीक नहीं था। चाहते हैं इसके क्या संदेश? तो जनता अपने आप संदेश दे लेगी, वो गलत चीजें हैं। भारत सरकार न्याय नहीं कर रही, ये हम कहना चाहते हैं। अगर किसी पे पास को धाराएं लगी, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई, जांच बाद में हुई, लेकिन इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया उसको सेटल करने का, लोगों को जो विक्रम से उनको धमकाने का, ये सारे काम हुए हैं 6 महीने तक। उन्होंने बहुत संघर्ष 6 महीने तक करा, हम उनके संघर्ष की दाद देते हैं। आज भी खेल कमेटी के साथ में हम सब लोग हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? हाँ हाँ, गिरफ्तारी नहीं। 2024 में क्या अपील करना चाहेंगे उनको, वोट देना? नहीं नहीं, हमें कोई अपील नहीं करनी किसी को, हम इलेक्शन से दूर रहते हैं, नॉन पॉलिटिकल है, जिसको जहाँ वोट देनी होगी दे लगा, हम इलेक्शन से दूर है। किसान नेता या किसान कार्यकर्ता सब खिलाड़ियों के साथ है? खिलाड़ियों के साथ, खेल कमेटी के साथ।